उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के ब्लॉक रतनपुरा ग्राम पंचायत इटौरा में नाली का पानी जाम लगा हुआ है। पुष्पा देवी के मकान में सीलन काफ़ी मात्रा में है, जिससे पुष्पा देवी मकान में रहने से मजबूर हैं और उनके दीवार के पीछे पानी लैटरिन का सीवर बह रहा है। पुष्पा देवी के साथ 15 लोग नाली के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या हमारी है भैया ना कि पिछवाड़े नाली है घर की और नाली में जम के तूफानी राम गड्ढा बना के सीवर बना दे लाइटिंग को और नाली के कहनी के पक्के बनवा देता कहत हूँ कि बन जाए कहके ना बनल आ फिर भी प्रधान से कहें तो प्रधान कहत हूँ कि भाई तो पड़ोसी वाला ना बना देते हूँ कहत हूँ कि जब ले तो लोग संगठन ना आई वाला तो नारी ना बनी तो भाई ना वो तूफानी राम ना बनावे दी ना बनै तब तक हमारे मकान वही तो ढही गरीब आदमी पड़ल बन जा मकान हमारे एकदम सीढ़ा हो गए सीढ़ा से में जाना था कि मकान हमारा ढह जाए को गारंटी ना हो आ रात दिन मन को बहुत थूसे आवश्यकता से रहला जब बहुत डर रहला एक को गारंटी ना हो। 2 साल से पानी बांधल 2 साल से घर में खाली पानी मरत के पानी बनले बेटे दुश्मनी से बांधल एक प्रधान के बतौनी प्रधान के बतौनी तो प्रधान कहना की केहू के चौक में पानी ना जाए तो ओकर कहन कहनी के आप नारी बनवा प्रधान जी से प्रधान ऊंचा तुम ऊंचा सुनवाइयो भले नारी को तब इनका जन बननी के ना बनी तोरे तबर घर में गिर जाए। इसमें वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से नम्र निवेदन है कि आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। ग्राम प्रधान सुनीता सिंह को फोन कर हमारा सहयोग कर सकते हैं, जिनका फोन नंबर है 9792790370 पर फोन कर दबाव डालें और हमारा सहयोग करें। मैं सत्येंद्र कुमार उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से इंडिया अनहट के लिए।